वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। बैठक में मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी, प्रहलाद पटेल, राव इंद्रजीत बैठक में के लिए पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मोदी कैबिनेट में बदलाव भी हो सकता है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक होने वाली है। कई मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी और इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और इसके साथ ही जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि मोदी कैबिनेट में बदलाव भी संभव है और संभवतः उसे लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। तो बड़ी खबर, मोदी मंत्रिमंडल की यह बैठक और अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। सीधे मैं आपको लिए चलती हूं, मेरे सहयोगी नीरज पांडे मेरे साथ जुड़ गए। नीरज, कितनी देर में शुरू हो रही है बैठक, क्या अपडेट इसे लेकर? देखिए, जो जानकारी है उसके अनुसार 4:30 बजे ये बैठक शुरू होनी है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, दरअसल ये प्रगति मैदान ही का जो कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। अभी फिलहाल मंत्रियों को पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ है। आप देखें तो अभी ये लगातार मंत्री स्मृति ईरानी को देख रहे हैं। आप स्मृति ईरानी गाड़ी, इससे पहले दूसरे जो सीनियर मिनिस्टर्स थे वो पहुँचे हैं। ये महेंद्रनाथ पांडे को आप देख सकते हैं इस गाड़ी में, ये पहुँचे हैं। गृहमंत्री अमित शाह थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लास्ट में पहुँचेंगे। 4:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, चूंकि मानसून सेशन से पहले ये बैठक। आमतौर पर ऐसी बैठकें बहुत सारी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा समय समय पे मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स की बैठक करते रहते हैं और मंत्रियों के साथ सुझाव शेयर करते रहते हैं और उनको कुछ सुझाव भी देते हैं कि आप ऐसा करिए। लेकिन इस बैठक का महत्व इसलिए भी बहुत बढ़ गया है क्योंकि चर्चा ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। ऐसे में इस बैठक के बहुत मायने हैं। यदि ऐसा हुआ तो बहुत सारे मंत्रियों की ये अंतिम बैठक होगी मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल की और बहुत सारे अगली जो बैठक होगी उसमें नए चेहरे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जाएगा, कुछ संगठन से लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ऐसी तमाम तरह की संभावनाएं और चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारे में। अब ये देखना होगा कि इस मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद वो घड़ी कब आती है जब नए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। आपको तो अंदर की जानकारी होती है इस बैठक को। अगर मैं कहूं कि एक बड़ी बात अगर आप बता पाए कि ऐसी कौन सी वो जानकारी निकल कर आ रही है जो बैठक के बाद उसका ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, एक तो बड़ी चीज़ है कि कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने हैं। जहाँ तक तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के अध्यक्ष के लिए जी किशन रेड्डी रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले ही इस गेट के अंदर गए। यानी कि मंत्रिमंडल का वो हिस्सा हैं लेकिन उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता तो जाहिर सी बात है उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी सूचनाएँ हैं अलग अलग तरह की, जिससे बिल्कुल तय माना जा रहा है कि जल्द ही आने वाले समय में 1-2 दिन या 4 दिन के मंत्रिमंडल के विस्तार को आप देख सकते हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि कई ऐसे घटक दल हैं जो एनडीए का हिस्सा रहे हैं लेकिन वो किन्हीं कारणों से अलग हो गए। अब धीरे धीरे उस कुंबे को फिर से जोड़ने की कवायद चल रही है, यानी कि अकाली दल को साथ में लाने की कोशिश है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एनडीए में शामिल होने वाली है, चिराग पासवान का दल एनडीए में शामिल होने वाला है। इसके अलावा आप देखें, कल ही एनसीपी का एक बहुत बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हो गया, जिसमें कहा यह भी जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल। तो ये जो सब सरकम चांसेस हैं, इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक विस्तार होने वाला है। अब वो कब होगा, कब तिथि तय होगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जानते हैं। बिल्कुल, इस पर नजर है, लेकिन मैं क्या समझू इसे कब तक क्लियर हो जाएगा नीरज, ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं? देखिए, माना यह जा रहा है कि मानसून सेशन से ठीक पहले ये कभी भी हो सकता है, यानी आज की बैठक के बाद ये आप समझिए कि 1-2 दिन में 3 दिन में एनडीए की बैठक बुलाई जा सकती है, एनडीए के कुछ घटक दलों को शामिल कराया जा सकता है। वो सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद ही चीज़ें होंगी, क्योंकि एक और भी बहुत महत्वपूर्ण है, 10 राज्यसभा की सीटें खाली हुई, उनमें कई ऐसे लोग हैं जिनको राज्यसभा भेजना है, नॉमिनेशन कराना है, कुछ लोगों को घटक दलों को राज्यसभा की सीटें देनी है। ये तमाम ऐसे विषय हैं जो एक साथ एक के बाद एक होने हैं। तो आज से लेकर आप देखें तो 15 तारीख यानी कि 15 जुलाई के बीच में बहुत बड़े राजनीतिक घटनाक्रम सामने देखने को मिलेंगे और कई बड़े फैसले संभव हैं जो इस मीटिंग के बाद साफ हो जाएं। आप नजर बनाकर रखिएगा नीरज, आपके पास फिर से मैं लौटूंगी। लेकिन
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।